ऊपर से है शक्ति, इसमें अंदर से है नरमी। पत्थर दिल भी पिघले था, फिर बाद में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाली दुखियों की है जान। सपने में भी दिख जाए तो जालिम हो परेशान। जीवन की मर्यादा, ताई जीवन की शान। ताई जीवन की मर्यादा, ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। ताई 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 गंदगी फैला रखी है, ठीक से मुझे मेरे पैसे वापस दे दो लाला। क्या? जब ये पतंग उड़ेगी नहीं, इसका मैं क्या करूंगा? क्या इसका चार डालूंगा? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो लाला। क्या? जब ये उड़ेगी नहीं तो मैं इसका क्या करूंगा? मनोज बेटा, ऐसा करना, मुझे इस हाथ में ले जाओ और डोर बांध कर मुझे उड़ा देना। सोच दे लाला, मुझे मेरे पैसे वापस देगा कि नहीं? अरे तो क्या तू मुझे धमकी देता है? जा, जो जी में आए कर लेना। अरे सामान लिया है दो ठेले का और बातें करता है नौ मन की। अच्छा, गेलिया है क्या? इतनी समझ नहीं कि कूड़ा कहाँ फेंका जाता है। भगवान, क्या हो गया इन लोगों को? वो क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है? देखो ताई, ये मेरे को मेरे पैसे नहीं दे रहे। अच्छा किया ताई तू आ गई। क्यों लाला, तू इसके पैसे वापस क्यों नहीं करता? ताई, पैसे कोई छपते नहीं है, मेहनत करता हूँ। अगर ऐसे ही लुटाता रहा ना तो हो गया कल्याण, कर ले दुकानदारी। अरे तो गलत सामान क्यों बेचता है? अरे पूरे दाम देकर खरीदा है मैंने, अब खराब निकले या अच्छी, मुझे क्या, मुझे तो बेचने से मतलब है। अच्छा, बेचने से मतलब है? अगर अच्छा सामान नहीं रख सकता तो बेचता क्यों है? अरे तू तो कौन होती बीच में बोलने वाली, बड़ी आई फैसला करने वाली। अरे जा जा जा, मैं तुझसे अच्छी पतंगे बना सकती हूँ, समझा? अरे तो बनाओ ना, कौन मना करता है? लाला देख, मैं तुझे अच्छे पतंगे बना के दिखा सकती हूँ, समझा ना? चल चल बेटा चल। अरे बनाओ ना, कौन मना करता है? हाँ हाँ, बना के दिखा भी दूंगी, बढ़ाया। आजा आजा। बड़ी आई पतंग दिलाऊंगी, बोल तो ऐसे रही है जैसे घर में फैक्ट्री डाल रखी है। श्याम वर्मा जी का बहुत बड़ा एहसान है जो उन्होंने स्कूल के लिए भूमि दान में दी। ये सारी जमीन? हाँ। अरे वो सिखाने वाला अभी तक नहीं आया? उसी का इंतजार तो रहता ही। अरे इंतजार में इंतजार क्या, जल्दी से साइकिल पे जा और उसे बुला ला। अरे थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता वो आ ही जाए। अरे अभी तक नहीं आया तो अब क्या खा आएगा? देखो तो कितना टाइम हो गया। ताई तुम कहे तो मैं उसे भी लेकर आऊं। अरे मैं कह तो रही हूँ कि तू जल्दी से साइकिल पे जा और उसे अपने साथ लेकर आ, जा। ठीक है। राम राम ताई। राम राम, जीती रहे, आ बैठ जा। बहुत अच्छा किया सुखिया तूने कि जो तू आ गई, तेरे मर्द ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं ताई। सलमा बेटी, तूने और किसी को नहीं बुलाया? कहा तो सबको है ताई, लेकिन कोई आने को ही तैयार नहीं। हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है, मुझे ये काम है तो मुझे वो काम है। खूब जानती हूँ किसको कितना काम है, गपबाजी और चुगलखोरी से फुर्सत मिले तब ना। अरे लोगों का क्या है, लोग तो आ ही जाएंगे।
हमारे पास सामान ही कहाँ है? अगर सिखाने वाला आ गया तो हम क्या करेंगे बताओ? हाय राम, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे इसमें सोचना क्या मास्टर, पहले वो आ तो जाए। क्यों बेटी? हाँ ताई, वो तो हो ही जाएगा। पता नहीं राजू उससे मिला भी या नहीं। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे चली बादलों के पार। ताजी सलाम। सलाम भैया सलाम। आओ बैठो। मैं अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन आप कह दो थोड़ी देर में हट जाता हूँ। थोड़ा सुस्ता लो, ठंडा पानी पियो, देखो पसीने पसीने हो रहे हो। भैया आप आए नहीं, वहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब देखो कितना काम फैला हुआ है, एक मिनट की फुर्सत नहीं है। लेकिन आज तो आपने आने का वादा किया था। अब किया तो था पर वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बड़ा अर्जेंट ऑर्डर मिल गया है 100 पतंगों का, तुम ही बताओ क्या करें। ये अपना तो ये रोज का काम है भैया, ऑर्डर को मना भी तो नहीं कर सकते। नहीं मत करो, मैं तो जाके ताई को बता देता हूँ, अपने आप निपटेगी आपसे, ठीक है ना? भाई देखो, हम हर पहलू पर बात कर चुके हैं, पैसे का क्या किया जाए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अरे काहे की समस्या, कोई ना कोई इंतजाम तो हो ही जाएगा। ताई हम लोग बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? अरे काहे के लिए लोन वोन, ये नई मुसीबत गले में डाल दो। ये तो वही बात हुई कि आ बैन मुझे मार। अरे बखत पे अगर रुपए जमा नहीं किए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो ताई, मेरे पास एक उपाय है, अगर उस पर अमल हो जाए तो समझो मसला हल। अरे बताओ तो सही। भाई हम ऐसा क्यों ना करें, 10-10, 20-20 रुपए जमा करके खुद ही अपनी पूंजी इकट्ठा कर ले। अरे जुग जुग जियो मास्टर, ये हुई ना बात। कल को कोई भी हमारे पास काम मांगने आएगा तो हम उससे 20 रुपए जमा करवा लेंगे। कल को काम बढ़ेगा, पूंजी आएगी, तो हम उसके रुपए उसे वापस कर देंगे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, सूद और मुनाफे के साथ। क्यों, काम का काम दाम का दाम। काम जितना बढ़ेगा उतनी तरक्की भी होगी। और सलमा बेटी को इस बैंक का खजानची बना देंगे। नू सलमा बेटी। आपका हुक्म सर आंखों पर, एक कंगाल बैंक के खजानची का सलाम कबूल कीजिए। अरे तू हिसाब में बड़ी तेज है, इसलिए खाता बही तुझे ही संभालना होगा। हाँ, और खाता बही कैसे संभाला जाता है वो मैं सिखा। और राजू क्या करेगा मास्टर जी? भाई राजू को माल बेचने का काम दे देते हैं, दुकानदारों के पास जाए और ऑर्डर लेकर आए। और सुखिया भाभी? सुखिया को तो औरतों का चार्ज दे देंगे, ये उनको काम सिखाएगी और उनसे काम कराएगी। और ताई तू, तू तो हमारी कंपनी की डायरेक्टर है ही। हाँ हाँ क्यों नहीं, कम से कम डायरेक्टर साहब तो कहलाऊंगी। अरे कहाँ की डायरेक्टर फरेक्टर, अरे भैया जो काम कहोगे कर दूंगी। हाँ और मास्टर जी आप क्या करेंगे? मैं इस कंपनी का मैनेजर। अरे राजू गया तो वहीं का होके रह गया। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हर वक्त पंगे। राजू बेटा तू अकेला ही आया है, वो काम सिखाने वाला नहीं आया। अरे ताई उसने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? मास्टर जी कहता है मुझे फुर्सत ही नहीं है। अरे गेलिया है क्या, उसी के भरोसे तो हमने काम शुरू किया है, अब कहता है टाइम नहीं है। जरूर कोई बात है। अरे बात क्या होगी, हम उसे रुपए नहीं दे रहे इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वो जरूर आएंगे। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। अरे तो घबराऊं क्यों नहीं,
कर दी ना उसने हमारी प्लानिंग की मट्टी पलीद। इसका भी एक उपाय है मेरे पास। क्या? हम लोग मिलकर उसके पास चलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। ये ठीक है। संभाल के बात करियो प्यार से इस वक्त। अरे भैया तुम तो आए नहीं, तुम्हारी वजह से तो काम शुरू किया, अब कहते हो टाइम नहीं है। अब क्या करें ताई, कहने को तो कह दिया लेकिन हम वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। देख रही हो इन सबको लेके बाजार भी जाना है। अगर तुम कहो तो तुम्हारा माल बाजार में हम बेच आते, लेकिन हमें यूं मझधार में छोड़कर मत जाओ भाई। भैया ये हम अपने भले के लिए कोई कह रहे हैं, सबके भले के लिए कह रहे हैं। 10 लोग आएंगे, काम सीखेंगे, 2 पैसे कमा लेंगे, हाँ वो तरक्की करेंगे। और सोचो तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। और ये भी नहीं समझना कि हम तुम्हें कुछ देंगे ही नहीं। अगर हमारा काम चल निकला जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो ले लेना। बिल्कुल, तो बताओ। अजीब उलझन में डाल दिया इन लोगों ने। इनका काम करता हूँ तो लाला को तकलीफ होती है, और लाला की बात मानता हूँ तो इनको। क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, मन में अगर कोई दुविधा हो तो बता दो, फिर ये ना कहना कि ताई की वजह से हमारा नुकसान हुआ। लाला ने 100 पतंगों का ऑर्डर दिलाया है और कहा है इससे भी बड़ा ऑर्डर दिलाऊंगा। अब समझी, तो ये सब लाला की चाल है। इसकी चिंता तुम मत करो भाई, हमारे पास इससे भी बड़े ऑर्डर आने वाले हैं। भैया चाहो तो पेशगी के ये 100 रुपए रख लो, हाँ, पर पहले काम तो शुरू करा दो, तब बात बनेगी। ये अच्छा ठीक है, अब लोग चलिए मैं आता हूँ। ठीक है, आजा आजा। साजी पहले ही आ जाते। कागज को साइज के हिसाब से काट लेते हैं। अंदाजे या नाप के? जितनी बड़ी पतंग होती है उसी के हिसाब से ये कट गया। अब हम इसको तिकोना काटते हैं। भैया जी इसे तिकोना क्यों काटते हैं? अगर पतंग कई रंग की बनानी हो तो कागज को इस तरह तिकोना काट के चिपका देते हैं। सीख लो सुखिया भाभी, काम आएगा। कैसे नाथी जाती है पतंग, ये भी सीख ले। महेंद्र भैया इनसे नथने वाले नहीं है। यही तो सीखना है कि सुखिया भाभी। अरे तो बन गई पतंग। और नहीं तो क्या। उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, ओ चली बादलों के पार होके डोर पे सवार उड़ी उड़ी रे। कल और लोगों को भी लाना सीखने के लिए। इसकी फिक्र ना करो भैया, कल यहाँ इतने लोग आएंगे कि जगह भी नहीं मिलेगी। आओ महेंद्र बेटा आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सब ठीक तो है? क्या ठीक है बेटा, आ बैठ।
पानी पिएगा? नहीं नहीं बस। बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। बात? हाँ बेटा, अब क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता। बेटा जब दूसरे ना समझी करें तो कुछ कहते हुए नहीं बनता, अब जब अपने गलती करने लगे तो कहे बिना रहा भी नहीं जाता। बेटा जब से सुखिया ताई के पास जाने लगी है मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम इतने गए गुजर हो गए कि हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर काम सीखने जाने लगे। अरे बोल, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती बाबूजी। क्या तुम्हें काहे नजर आएगी बुराई है? अरे तुम्हें तो नोट दिखाई दे रहे हैं। नोट नोट वोट क्या बाबूजी, दिन भर घर में बैठी रहती है, सोचा इसी बहाने कुछ सीख लेगी, मन भी बहल जाएगा। देख महेंद्र बेटा, मैं तुमसे उम्र में भी और तजुर्बे में भी बड़ा, सुखिया मेरी बेटी है और तू मेरा दामाद, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। अरे वरना मुझे क्या पड़ी कि तुम्हें समझाता। बेटा उसकी स्वर्गवासी मां ने कभी भी घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखा था और आज उसकी बेटी घर से बाहर घूमती फिरे। अरे ये उसे अच्छा लगेगा है? क्या उसकी आत्मा को दुख ना पहुंचेगा? गांव घर की ही बात तो है बाबूजी, वो कहीं बाहर तो जा नहीं रही। आज उसने देहरी लांगी है, कल घर लांगेगी और परसों गांव। ये आप क्या कह रहे हैं बेटे? औरत को जितना काबू में रखो उतना रहेगी, अगर जितना उसे छोड़ दोगे तो वो उड़ने लगे। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तू ऐसा कर, तू खुद ही जाकर देख ले, अब फिर तेरे जो जी में आए वही करना। ठीक। पतंग तो सिर्फ लाला की बिकेगी। वाह, तुम्हारी पतंग तो तैयार हो गई है। अरे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। अरे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। अरे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, आज उसने देहरी लांगी है, कल घर लांगेगी और परसों गांव। औरत को जितना काबू में रखो उतना रहेगी, अगर जितना उसे छोड़ दोगे तो वो उड़ने लगे। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? अरे क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? खाने के लिए कुछ हो तब खाओ ना। क्यों, इतना बढ़िया तो खाना बना के गई हूँ तुम्हारे लिए, बैंगन की सब्जी और मूंग की दाल, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये मूंग की दाल और बैंगन की सब्जी खिला के मुझे मार देना चाहती हो क्या? ये खाना है? खाना है ये?
जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करेगा, समझी? अरे क्या हो गया तुझे? क्या किसी से लड़के आया है या सवारी नहीं मिली? हाँ सवारी नहीं मिली, और तू तो चाहती है मैं यहाँ ना दिखूं, मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। अरे ये क्या कह रहा है तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुझे क्यों समझ में आएगा? एक बात बता, किसके साथ रंगलियां मना रही थी तू? क्या कहा तुमने? अरे तुम होश में रहो। हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, और कान खोल कर सुन ले एक बात, आज के बाद इस घर से बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, देखो तुम बेहद क्या करते हो। मैं भी देखता हूँ तू कैसे जाएगी, कैसे जाएगी तू, 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 कैसे जाएगी तू। अरे ओ लाला के बच्चे, तू आदमी है कि जानवर? अरे क्या बात हो गई ताई? अरे लाला तुझे शर्म नहीं आई अपनी मासूम की बेटी पे लांछन लगाते हुए? कैसा बाप कह रहे थे जो अपनी जन्मी बेटी को नहीं समझ सका? अरे क्या बोल रही है ताई, कुछ होश होश है कि नहीं? मैं खूब होश में हूँ, तू अपनी बेहोशी की दवा कर। अरे आज बेटी को पिटवाया है, कल पता नहीं क्या करवाएगा। अरे क्या बोल रही है ताई, साफ साफ बता आखिर बात क्या है? ए ज्यादा भोला मत बन, पहले तो अपने दामाद को चढ़ाया, बेटी पे इल्जाम लगवाया, फिर उसकी पिटाई करवाई और अब सेंटर जाने से भी रोक दिया। बाबा इसका मतलब महेंद्र ने मेरी बेटी को मारा? मारा ही नहीं, कमरे में ताला लगा के उसे बंद भी कर दिया है। शुक्र है मैं पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या होता। भाई ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया, ये हरकतें करेगा तो ऐसा ही होगा, दे दिया कहीं का। कितनी बन गई पतंगे? गिन रहा हूँ, 97 है पूरी। अरे इतनी पतंगे बिकेंगे कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। साइकिल के केले पे बांध दो, दुकान दुकान घूम जा और आवाज लगाते फिरो, पतंग ले लो पतंग। ये हंसने की बात नहीं है, पतंग बेचने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। मेरे ख्याल में इन्हें सीधे दुकानदारों तक पहुंचाना ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन कहाँ कहाँ तक हम दुकानदारों तक पतंग पहुंचाते रहेंगे? अगर कुछ ऐसा इंतजाम हो कि ये अपने आप दुकानदारों तक पहुंचाए तो अच्छा रहेगा। तुम ठीक कह रही हो सलमा बेटी, इन्हें थोक बाजार में बेचने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। हमें इचौलिये बिचौलिये के बीच में भी नहीं पड़ना है, जो करना है खुद करना है। ठीक है मैं आज ही बाजार का मुआयना करके आता हूँ। सामान बनाना कमाल नहीं बल्कि उसे बेचना कमाल है। राम राम ताई। राम राम। महेंद्र भैया। राम राम। ठीक है। सुखिया फिर तेरे पास आ गए। क्या कहता है लाला? एक बार फिर कहे। ताई, सुखिया बेटी तेरे पास रहेगी, कुछ अच्छा भला सीखेगी, इसे आशीर्वाद दो। अच्छा किया सुखिया बेटी जो तू चली आई। ताई, मुझे भी ये काम सिखा दो, खाली समय में मैं भी कर लिया। हाँ हाँ तू भी सीख ले, मना कौन करता है भला। अच्छा बच्चों, खूब मन लगाकर काम सीखना। हम अरे इनको आशीर्वाद तो दो लाला, बिना इसके नहीं जाने दूंगी। बच्चों खुश हो मेरे बच्चों, बोलो बोलो। लाला जी मुझे भी। लाला एक बात तो सुनो, इतना माहिर तजुर्बेकार कारोबार का जानकार आदमी हमें कहाँ मिलेगा? हमारी पतंगे बिकवाने में मदद करो ना लाला। ताई वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा कमीशन। कमीशन? पिताजी। लाला जी बने रहते हो।